2070 में जो विमेन्स और मेन्स का गैप है, जो लीडरशिप रोल्स में या जॉब्स में जो है, वो 2070 में एंड हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो आपको फाइट करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट दिस इज द फैमिली विच विल सपोर्ट यू वन डे, राइट? एवरीवन नोस दिस। बट आपको पता है कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें सारे साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट ने स्मृति ईरानी जी को बुलाया था टू चूज देम एज द हेड ऑफ साइंटिस्ट। When Smriti Irani went there, उसने देखा कि वहाँ पे सारे बॉय साइंटिस्ट थे, एक भी फीमेल साइंटिस्ट नहीं थी, जबकि उनको पता था कि जो अपना मास्टर हो गया है 17 एज में, तो काफी गर्ल्स ऐसी होती है। और सेकेंडली, अगर हम फेल हो जाते हैं, ये मेरा वीकनेस है, अगर हम फेल हो जाते हैं तो मूव ऑन कर देते हैं कि मतलब बस अब ये नहीं करना है, अब यहाँ से गिव अप कर, तो उससे मूव ऑन कैसे करें? तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने लग गए, एक्स्ट्रा मार्क्स उनके आने लगे, तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको देने भी लेने पड़ेंगे, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। डमी पॉलिश कर रही है, आपको पता है क्यों कर रही है? क्योंकि इसको खाली कॉलेज में तो जो पढ़ना है वो तो ये पढ़ ही लेगी, और एग्जाम भी दे लेगी और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। एक्स्ट्रा क्या कर रही है ये? एक्स्ट्रा कर रही है कि जॉब कर रही है, ये डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करती है, क्योंकि इसका बिलीव है कि ये बहुत कुछ सीख सकती है वहाँ पे, और फिर पीजी के लिए अप्लाई करेगी, वहाँ ये प्रॉपर एजुकेशन लेगी। एंड दैट्स व्हाई इसके एफर्ट्स ही उतने मायने रखेंगे कि 3 इयर्स में इसने जॉब का 2 साल का एक्सपीरियंस भी लिया है, और इसने अपनी एजुकेशन भी कम्प्लीट करी। बात सही है कि जितना एक्सपीरियंस या जितनी लर्निंग आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती है ना, उतना कुछ नहीं। आप अगर एक बच्चे कन्विंस करें कि हमें अपने एक्सपीरियंस को तो चलो मैं बिजनेस सेट कर रही, मैंने बिजनेस के लिए बहुत बहुत सारे आइडिया सोचे, एंड फाइनली मैंने एक कॉस्मेटिक रेंज फॉर द एज ऑफ 5 to 12 ईयर एज किड्स के लिए लेके आई, कि हम उनके लिए लोशन लेके आएंगे, एक साथ पार्टनरशिप भी करेंगे, ज़्यादा हमें पैसे की दिक्कत होती है, क्योंकि हमें वो परेशान जो चला गया वो चले जाएगा, तो जो रह रहा है उसको तो रहना, उसको तो जीना ही पड़ेगा, और वो चीज़ में खाने में पैसे ही है आपको, आगे प्रूव करना विल बी योर टेक। आप हर चीज़ में नहीं जी सकते क्या? हम हर चीज़ में कुछ आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। हमें अपनी कमियाँ, हर इंसान में कुछ कमियाँ होती हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं, अपनी खुद को इवैल्यूएट करते हैं।